अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैंने क्या बनाया है, ये देखिए मैंने क्या बनाया है। टी टाइम के समय, सॉरी सब सब समय, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समय मैंने बनाया है कांदा पोहा। बढ़िया सा, मजेदार सा, आके देखिए तो सही पहले। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी बना ली है, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया। आप वो एंजॉय कीजिए और बनाएं, मैं तब तक ये खाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। वो आप चेक कीजिए इसकी पूरी रेसिपी। ये है एक कप कांदा पोहा। इसमें मैं यहाँ पर पानी डाल देती हूँ, नॉर्मल सादा पानी है। अच्छे से थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया कि सारे अंदर पानी के अंदर सोख हो गए। और अब उसी टाइम पे हाँ नितार लीजिए और नितार कर इसे साइड पर 10-12 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर रहने दीजिए। जब 2-4 मिनट हो जाए नितार के रखने पर, तो नमक डाल दीजिए इसके अंदर स्वाद अनुसार पोहे के अंदर। और मैं यहाँ 3/4 छोटे चाय का चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो आधा डालें। मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा मीठा प्रेफर करती हूँ, कि स्पाइसी मीठा खट्टा ऐसा प्रेफर करती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा शक्कर ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें तो टोटली स्किप भी कर सकते हैं ना। और सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लीजिए। अब एक कढ़ाई लीजिए साइड बाय साइड और उसमें तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गर्म हो जाता है तब डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा और 1/4 छोटा चाय का चम्मच सरसों। मैंने थोड़ा जीरा ज़्यादा डाला है। अच्छा, अब इसको फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए 6-8 सेकेंड्स के लिए। जब 6-8 सेकेंड हो जाए तो 8-10 कड़ी पत्ते डाल दीजिए और उससे भी मिक्स कीजिए और 6-8 सेकेंड के लिए तड़तड़ा जाने दीजिए फास्ट आंच पर। उसके बाद एक हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल रही हूँ मैं, उसे भी 6-8 सेकेंड के लिए तड़तड़ा जाने देती हूँ तेल के अंदर फास्ट आंच पर। उसके बाद एक मीडियम साइज की प्याज डाल दीजिए छुंदा और इसे भी फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। 25 ग्राम ये जो मूंगफली आती है ना, ये रोस्टेड मूंगफली, इसमें नमक भी पहले से नमकीन वाली डाली हुई है, तो मैंने 25 ग्राम लिया और वो साइड पे रखा है। प्याज को कच्ची पक्की हो जाने दीजिए। जब कच्ची पक्की हो जाए, मैंने चूल्हे को देखा आपने स्लो कर दिया। अब डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, मिक्स कर लीजिए। उसी समय डाल दीजिए जो 25 ग्राम हमने सिंक साइड पर रखी है, ये रोस्टेड पहले से ही थी, इसमें हल्की नमकीन भी है ये वाली, मिक्स कीजिए। टोटल तकरीबन 8-10 सेकेंड हो जाए हल्दी डालने के बाद, तो ये जो हमने पोहा साइड पर रखा है ये अभी फूल चुके होंगे, ये डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। जब अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, तो 2-3 टेबलस्पून जितना पानी डालिए इसके ऊपर छिड़क दीजिए, जैसे थोड़ा सा पानी, और इसे ढक कर तकरीबन 1-1.5 मिनट तक दम पे रहने दीजिए। वैसे पानी मैं हमेशा डालती ही हूँ थोड़ा सा वो और उपसने के लिए, लेकिन अगर आपने पानी नहीं डालना है, ये छीटा नहीं मानना है पानी का, मत डालिए। ऐसे ही ढक के स्लो आंच पर 1-1.5 मिनट के लिए रहने दीजिए। 1.5 मिनट के बाद खोल लीजिए। इसमें मैंने सिर्फ समझिए ना 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाला है, छोटा सा ही था नींबू, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दी, हरा धनिया, इसे मिक्स कर लिए और वापस ढक कर इसे तकरीबन 1 मिनट तक पकने दीजिए। जब 1 मिनट हो जाता है चूल्हा कर दीजिए बंद और ये बन गया हमारा गर्मा गर्म पोहा, कांदा पोहा रेडी। अब इसे गर्मा गर्म सर्विंग बाउल या डिश में निकालें, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें और नींबू साइड पर रखिएगा, क्योंकि कोई कोई नींबू और ज़्यादा डाल के खाते हैं। अच्छा, शक्कर मैंने मेरे हिसाब से डाली है 3/4 छोटे चाय का चम्मच, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने सिंगदाने का पैकेट इस्तेमाल किया है, जो पहले से ही फ्राइड थे और अच्छे से रोस्टेड थे, लेकिन आप चाहें आपके पास कच्ची हो तो तेल डालने से पहले कढ़ाई के अंदर पहले थोड़ा सा सिंगदाना डाल दें, उसे अच्छे से रोस्ट कर लें, निकाल लें, फिर आगे प्रोसीड करें। तो आप लोगों ने चेक कर लिया है ना, बढ़िया सा क्विक 2 मिनट आप बोलेंगे 2 मिनट में बना नहीं सुलेखा, तो 5 मिनट में आराम से बन जाता है। इनफैक्ट मैंने साइड पर चाय रखी थी, उससे पहले बन गया और उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, मैं आपको खा के दिखा देती हूँ टेस्ट कैसा है। मैंने तो खा लिया, लेकिन आपके लिए फिर से मैं आपको आपके सामने खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया। मैं तो ये एंजॉय कर रही हूँ। आपको आई होप अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक कीजिए मेरे ये वीडियो को, सॉरी ज्यादा से ज्यादा इसके लिंक फॉरवर्ड कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और हाँ, अगर आप ये बनाएं
कांदा पोहा, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। एंटिल देन एंजॉय कांदा पोहा।